चलो बाय बाय। खत्म हो गया। बस यही तो चाहिए होता कि सुबह सुबह स्टेशन पहुंचो और इतनी लंबी चौड़ी लाइन मिल जाए, और क्या ही हो सकता है। तो भाई सुबह सुबह 10:30 बजे हम लोग आ गए हैं जनकपुरी, क्योंकि ख्वाहिश मैम की जो है घर पे प्राइवेट क्लासेस होती हैं, एंड आज ख्वाहिश मैम का एक म्यूज़िक वीडियो शूट है तो वो क्लास नहीं ले पाएंगी, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ लेने के लिए कि एटलीस्ट क्लास मिस ना हो बच्चों की। तो सुबह सुबह जाके अब ख्वाहिश मैम के घर पर हम प्राइवेट क्लास लेंगे। इसको नींद बहुत आ रही है बट जाना तो है ही। आप कॉन्फिडेंट में आते हो? हाँ, और जो नहीं, और जो ओवर कॉन्फिडेंट में आता है उसकी डांट लगती है? हाँ, पर मैं आता नहीं। आप कॉन्फिडेंट में आते हो? हाँ। पर पीटीएम में तो सबकी डांट लगती है, आपकी डांट नहीं लगी? नहीं। क्या बोला मैम ने? तारीफ करी? हाँ। मामा लेने आए थे। One eternity later. आप पास हो गए? नहीं, मेरे मामा हो। मामा पास हो गए, वाओ। पर कोई लाल पत्थर जो पर कोई एनिमल ही पाउडर वो बहुत ज्यादा इसलिए वो अभी तक डायनासोर वो अभी भी है, पुराने जमाने से भी तक है अभी भी है। अपने जमाने तो बहुत ज्यादा से अब तो जो पर डायनासोर तो मर गए हैं ना? नहीं, पर एक रह गया है वो है जंगल में गया है कि फिर ना वो गायब है। हैं? हाँ, वो उनकी हड्डियाँ म्यूजियम में। उनकी हड्डियाँ म्यूजियम में? हाँ, मुझे आपको पता है। आपको किसने बताया? मुझे पता है। कैसे? हाँ, तू स्मार्ट हो। मैंने पेपर पिक में देखी कि उनकी उनकी हड्डियाँ म्यूजियम म्यूजियम में। वो तो कुछ भी लिखा पेपर पिक में। हम लोगों को समझ सको तो ट्वेंटी करेंगे, ठीक है? वन टू थ्री फोर सेवन एट नाइन टेन थर्टीन फोर्टीन सिक्सटीन नाइनटीन ट्वेंटी। चलो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इलेवन थर्टीन फिफ्टीन सेवनटीन नाइनटीन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो आपका हाथ जो छोटा है देखो कितना छोटा है आपका, आपको बड़े दूसरे बताओगे आप? चलो तो भाई फाइनली 1.5 घंटा ट्रैवल करने के बाद आ गए हैं अब हमने स्टेशन। घर जाके अभी 2 घंटे का टाइम है क्लास स्टार्ट होने में, तो घर जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे एंड देन उसके बाद क्लास। तो मिलते हैं सीधा स्टूडियो में। सो भाई घर आने के बाद अब जा रहे हैं हम स्टूडियो स्टूडियो ओपन करने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता पहले घर पहुँच जाऊँ उसके बाद दीदी फ़ोन करेंगे भैया आ जाओ स्टूडियो ओपन कर दो। तो एक ही बार में अगर बाहर निकले हुए तो ओपन ओपन करके आ जाते हैं, दीदी अपना सफाई कर लेंगे आके एंड देन उसके बाद घर। तो भाई अभी स्टूडियो आया है ना, अभी ये भाई साहब जिनकी गाड़ी है इन्होंने फिर से लगा रखी है, तो कल वाली पर्ची शायद इन्होंने पढ़ी नहीं पढ़ी पता नहीं मेरे को, मैंने अभी ये लिख दिया है कि भाई गाड़ी मत लगाया करो, कल 2 बच्चे गिर गए हैं स्टेयर्स से, रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज़ कहीं और जगह ढूंढ लो। लास्ट टाइम पोलाइटली बोल रहा हूँ, इसके बाद अब सीधे पुलिस से कंप्लेन करूँगा। ज़रूरी है भाई, 2 बच्चे कल फिसलते हुए बचे हैं, अभी कोई गिर जाएगा चोट लग जाएगी तो पेरेंट्स मेरे को ही बोलेंगे ना कि सर कैसे अरेंजमेंट से, मतलब जगह नहीं है चढ़ने की उतरने की। तो भाई लास्ट टाइम प्यार से देन उसके बाद सीधा पुलिस वाले को फोन। बस भाई बस। अबे हो गया, इतने में ही हो गया। 15 मिनट के ग्रूविंग सेशन में तुम्हारी बैंड बज जा रही है, बताओ। हाँ ये तो ख़त्म है, इसका तो पेट्रोल ख़त्म हो गया। आज तो कम कराया ना, थोड़ा सा तो कराया यार। चलो अब हंस के देखो, हंसना आता है? आता हाँ या ना दिव्या? आता है?
बोलो ही, आवाज आनी चाहिए, बोलो ही, और जोर से बोलो ही, काव्या बोलो ही, योगिता बोलो ही, अरे आवाज आनी चाहिए, जल्दी बनो, तुम किसका वेट कर रहे हो? ये सबके सब बाहर एक आई इंक्वायरी, बाहर एक मैम आई मतलब इंक्वायरी के लिए कि उनको अपने बच्चे को एडमिशन कराना था, उनको मैंने बोला रिवाइज करो 2 मिनट के लिए, ये सारे गाँव चिल्ला चिल्ला के सुनो गौर से दुनिया, मैं शीशे पे खड़े होकर मैंने इनको बोला भी कि भाई प्लीज थोड़ा थोड़ा धीरे बोल लो, नहीं तब और चिल्ला रहे, चिल्लाना है ना तुम्हें, प्रैक्टिस करने को बोला तो मस्ती आ रही है तुम्हें, हैं काव्या सब चिल्ला रहे थे ना, योगिता सब चिल्ला रहे थे ना, बनो मुर्गा ढंग से, बोलो कुकड़ुक्कू, सारे जोर से बोलो कुकड़ुक्कू, आप चिल्लाओगे नो सर नहीं कुकड़ुक्कू, अगर चिल्लाओगे तो फिर से बना दूंगा, चलो खड़े हो, हाँ मजा आ गया, आप चिल्लाओगे? और भाई सबके सब मम्मी कसम खाओ कि प्रैक्टिस करके आओगे, खाओ माँ कसम, करके आओगे प्रैक्टिस, क्योंकि ऐसे तो तुम करोगे नहीं, अब तुम्हें मम्मी की इम्पोर्टेंस पता है ना तो इसलिए मेहनत करोगे। भाई बच्चों की क्लास खत्म हुई है और फाइनली उनकी छुट्टी करवाई है, भेजा सबको और अब थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, बट इसके बाद आने वाला है बैच चिल्लर पार्टी का भाई, सबसे छोटे बच्चों का, और उनको संभालना, दिखाता हूँ क्यों कह रहा हूँ ऐसा। भाई हमारे स्टूडियो के बच्चे हैं आर्टिस्ट, युवांशी हमेशा कुछ ना कुछ बना के लाती है, ये युवांशी कभी बटरफ्लाई कभी कुछ ना कुछ, प्यार ही बहुत है भाई बच्चों का हमारे लिए, यही चाहिए बस, ओनली प्यार। हेलो हेलो आर्टिस्ट युवांशी, समझ गया ना मैं क्या बोल रहा था, इनको समझ ही देखो बस, कर ले डांस कर ले, ओए डांस कर ले, अपनी अपनी जगह पे आओ, चलो होमवर्क दिखाओ मेरे को, 5 क्या हो गया भाई, अरे 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 क्या हुआ जिज्ञांश, की है रानी अपनी छतरी, बहुत तेज बोलते हैं, बहुत तेज फालतू में ये बोलता सबसे ज्यादा तेज। तो भाई जस्ट अभी क्लास ख़त्म हुई है 8 to 9 वाली, और ये वाला पेपर जो हमने लगाया था ये वो गाड़ी वाला लेके चला गया अपनी गाड़ी, और उसने ना यहाँ फेंका हुआ था स्टेयर्स के पास, तो अभी तो कोई नहीं, अब देखते हैं कल पता चलेगा, अगर कल फिर से लगाई उसने तो कल सीधा मैं कॉल करूँगा पुलिस वालों को कि भाई 3-4 दिन से ये अननोन गाड़ी खड़ी हो रही है जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को चोट लग गई है और नहीं सही लग रहा है ये चीज़, और सुन नहीं रहा है, बार बार 3 बार प्यार से बोल चुके हैं, तो देखते हैं क्या होता है। और भी है इसकी साड़ी भी फॉल लगाने दे दे। वाह ये 4 साड़ी लिया आपने, पापा ने दिलाई बर्थडे पे, बर्थडे साड़ी कम थी आपके पास। गाइस मैं बता रहा हूँ अगर अभी ये वाला बेड या अंदर वाला बेड कोई सा भी बेड खोल दिया ना कम से कम 40 से 50 साड़ियाँ निकलेंगी कम से कम, मजाक से हट के बोल रहा हूँ। और ये फिर से ले आई है 4 साड़ी और पहनती नहीं है, कभी आपने देखा है इनको साड़ी में? मुश्किल से 1-2 ब्लॉग में देखा होगा जब भी कोई फेस्टिवल होगा या कुछ होगा। अब पहनूंगी ना, हाँ ये वही है जब नई साड़ियाँ दिख जाएं तो हाँ पहनूंगी वरना नहीं। और बर्थडे 2 दिन बाद है, दिला दिया पार्टी कहाँ दे रही हो?
जिसका बर्थडे होता है वो पार्टी देता है। चलो कहाँ चलोगे? परसों बताऊंगा। अभी आज ही बताओ। परसों, आज नहीं परसों। आज बता दोगे तो? 12 तारीख, गाइस 12 तारीख, 12 तक तो मंडे है ना? सही है भाई, मंडे पार्टी गाइस, मंडे जल्दी छुट्टी हो जाती है, पार्टी। कहाँ चलोगे? बारबेक्यू नेशन। बारबेक्यू नेशन? मैं तो, मुझे तो पता ही नहीं कहाँ है। हाँ तो ली, जब ही लेके जा रहा हूँ, चल रहा। वो बताओ जो मुझे पता हो। हम्म, वो बताओ जगह जो मुझे पता हो। हल्दीराम। क्या खाओगे? वो तो वहीं जाके बताऊंगा। लंबा लंबा चौड़ा बिल बनेगा। डोसा, पाव भाजी, छोले भटूरे, गुलाब जामुन, माधुरी, कम से कम 10-15 हज़ार का बिल तो बनना चाहिए। कहाँ से भरूंगी बेटा फिर? मैं तो अपने अकाउंट से। अकाउंट में किसका है? आपका। यही तो यही रहता है। पार्टी देनी होगी। बोलूंगी तो ज्यादा हो जाएगा। पार्टी देना, बात खत्म। ठीक है, दे दूंगी। गुड। क्या याद रखोगे? हाँ यस, ये ना बात, क्या याद रखोगे? नाइस, यही कॉन्फिडेंस चाहिए। और अगर ये नहीं पहनी आपने, ये डेली वाली टाइप की साड़ियाँ तो है नहीं, ये डेली टाइप की साड़ियाँ हैं, ये चटक मटक सी है, ये चटक मटक सी, ये कहाँ डेली टाइप की? देखो, ये तो दादी जैसा पहनती थी। बहुत अच्छी है। तो बूढ़े लोगों जैसी साड़ी है ये तो, और क्या, जैसे दादी अम्मा लोग पहनती हैं। और अभी तो बहुत टाइम है भाई शादी में हमारी। अब शादी का 4 साल गाइस, अभी कौन सा साल चल रहा है? 2024 चल रहा है ना, 2028-29 से पहले तो शादी नहीं। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया, एकदम कैटरीना कैफ फेल। तो कहाँ होती? सही है भाई, सही है। दिक्कत है ना यार रहने में आपको? दिक्कत नहीं है। फिर मैं गाना गाती हूँ। कैटरीना कैफ गाना गाती है? गिफ्ट लेने के लिए। अच्छा, आवाज भी नहीं आ रही आपकी। Okay, और ये लोग तो भाई पार्टी में जा रहे हैं, ये और पापा पार्टी में जा रहे हैं। खाने का क्या होगा हमारे? बना रखी हूँ नहीं खाना। क्या खाना है? वो बनाई, अब तय करना पड़ेगा। खिचड़ी बनाएंगे, शनिवार है। वाह, शनिवार है तो खिचड़ी डे। खुद जा रहे हैं पार्टी में ये और पापा, और हमें खिचड़ी खिला रहे। शनिवार है ना आज? तो शनिवार को जरूरी है खिचड़ी बनेगी? शनिवार को? कहाँ लिखा है? उससे ग्रह कम होते हैं। वाह, अभी उस दिन मुझे बोल रही थी कर्म सही रखो, इन सब चीजों में विश्वास मत रखो। ग्रह खिचड़ी खाने से ग्रह सही हो जाएगा, मतलब ऐसे अगर ग्रह सही हो रहे होते ना तो साला आधी दुनिया खिचड़ी खा रही होती सैटरडे को। कर्म अच्छा करो, और जो दुनिया में थोड़ा होता है तो अब करना चाहिए, थोड़ा दुनिया के हिसाब से चलना पड़ता है। कोई नहीं गाइस, खिचड़ी खा लेंगे। बाकी ये लोग पार्टी में जाएंगे तो पीछे से तो कुछ नहीं आएगा। जाओ तो पार्टी में, कुछ भी नहीं आएगा। जाओ तो पार्टी में, एक घंटा तो लगेगा ना आपको पार्टी में। कुछ खाने थोड़ी देर में खिचड़ी खा के जा रही। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, नहीं खाती। कोई बात नहीं, कोल्ड ड्रिंक तो पियोगी ना जाके? कोल्ड ड्रिंक तो पियोगी ना? मना कर दो, कहते नहीं पियूंगी। क्यों, लेके आई थी? गाइस देख लो, कल भी इनको कोल्ड ड्रिंक लाके दी, उससे पहले भी लाके दी, आज फिर लाके पिए इन्होंने। और मुझे कहते हो तुम लोग मुझे? अरे पता नहीं कहां से मेरी आदत गंदी हो गई। हाँ हाँ हाँ, ऐसी मैं भी बोलता था कि पता नहीं मेरी आदत कहां से समोसे की मोमोज की पड़ गई। सुनो, 5-6 साल हो गया मैं नहीं पी रही थी ना, अभी मुझे जल्दी से लगी है। हाँ तो एकदम से 5 साल का एक कोटा एक बार में पूरी करोगी? पता नहीं क्या हो गया, और कोई चीज नहीं, सिर्फ कोक अच्छा लग रहा है।
हाँ अपने आप आ जाता है ना वो मन में, ठीक है मान गया आप बेकसूर हो। स्प्राइट पी थी मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, ठीक है मान लिया मैंने, तृप्ति मिल रही हो, सुकून मिलता है, गुड ठीक है, अभी ले आओ आधा लीटर का पी जाऊंगी, देख लो गाइस सुन लो। सो गाइस वहाँ मम्मी पापा अपना एंजॉय कर रहे होंगे पार्टी में और हम यहाँ खा रहे हैं खिचड़ी। पहले मेरा मन करा बाहर से कुछ ऑर्डर कर दूँ बट फिर मैं एक अच्छे बेटे की तरह मैंने सोचा कि यार अभी मैं मंगा तो लूँगा फिर मेरे को ब्लॉग में दिखाना पड़ेगा, फिर मम्मी ब्लॉग देखेंगी तो फिर मम्मी कूटेंगी, तो मैं पिटना नहीं चाहता था इसलिए मैंने ऑर्डर नहीं करा। तो अब ये खाते हैं एंड दिन को बोलते हैं एंड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज का ब्लॉग, बहुत लंबा दिन था भाई आज का, और कल है हिमांशु की वर्कशॉप, तो कल मिलते हैं आपसे, बहुत बढ़िया दिन होगा मुझे पता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज का ब्लॉग, जल्दी मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।